हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ एक ऑसम रेमेडी जिसको ट्राई करने से आपका हेयर एक दिन में ही स्ट्रेट हो जाएगा। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा ना? हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर नहीं होता है तो बहुत दुख होता है अंदर से। इतना मेहनत किया बट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सो आज हम बात करने वाले हैं एक रेमेडी के बारे में जो आपका हेयर एक वॉश में स्ट्रेट कर देगा। आफ्टर वन यूज आपका हेयर एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? आप यही सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है, सच में नहीं होता है। तो ये YouTube का एक वीडियो है जिसका चैनल का नाम है माई सिंपल रेमेडीज। उसमें क्लेम किया गया है कि उस रेमेडी के वन यूज से ही आपका हेयर एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा। तो चलिए उस वीडियो को हम आज ट्राई एंड टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में एक बेल बटन होगा, उसको भी जरूर हिट कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बिफोर का पिक देख लेते हैं। नेक्स्ट हम रेमेडी प्रिपेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए 4 टेबल स्पून राइस का, देन उसको वाटर डाल के अच्छे से उसको धो लेंगे और सारा डर्ट को निकाल देंगे वहाँ से। नेक्स्ट हम पैन गरम करेंगे और उसमें पानी डालेंगे और डाल के उसमें अच्छे से राइस को कुक कर लेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अब राइस कुक्ड हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और राइस को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। सो नेक्स्ट ये इस कंसिस्टेंसी में आपको दिखेगा। नेक्स्ट हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे, मिक्सी में ही पीस लेंगे उसको। तो इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लूज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क डालने के बाद फिर हम इसे एक बार फिर ग्राइंड करेंगे। तो आपको ये इस कंसिस्टेंसी में दिखेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल डालूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सो यहाँ पे हमारा हेयर मास्क बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना हेयर का सेक्शन कर लूँगी और अच्छे से क्लिप से टाई कर लूँगी। नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉवल ले लेंगे, बिकॉज हमारे क्लोथ में एकदम लगना नहीं चाहिए। सो टॉवल रख के जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मेरा हेयर मास्क लगाना कंप्लीट हो गया है और मैं अपने हेयर को स्ट्रेट ही रखूँगी फॉर द 2 आवर्स। और यहाँ पे मेरा हाफ ऑफ द हेयर मास्क बच गया है, वो पूरा वेस्ट हो गया, मैं फेंक दूँगी उसको। सो गाइस, आफ्टर 2 आवर्स यहाँ पे मेरा हेयर आप देख सकते हैं एकदम लकड़ी के जैसा हो गया है, एकदम लगता है कि बेंड करने से टूट ही जाएगा। सो नेक्स्ट बारी है अब रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट टाइम आ चुका है, तो चलिए हम लोग रिज़ल्ट देख लेते हैं। बात करें साइन का, तो साइन पहले भी मेरे हेयर में था, अभी भी मेरे हेयर में है, ठीक है। और बात करते हैं स्ट्रेट का, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं कंपेयर करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। हल्का वेव जो है, हल्का सा लिटिल बिट 1-2% स्ट्रेट हुआ है, उतना स्ट्रेट हमको तो नहीं दिख रहा है, एकदम लिटिल बिट स्ट्रेट हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
सो गाइस, कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ इस रेमेडीज़ के बारे में कि अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने स्कैल्प में ना लगाएं, अपने सिर्फ हेयर में लगाएं इसको। आप अपना हेयर एकदम से स्ट्रेट रखिएगा, उसको बेंड मत कीजिएगा। मैं इसको दोबारा कभी यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि इसको एक बार लगाने के बाद निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आपके हेयर टूटने के भी डर होते हैं, क्योंकि लगाने के बाद एकदम से लकड़ी हो जाता है ये, ठीक है। सूखने के बाद ना लकड़ी हो जाता है, अगर आप इसको एकदम तोड़ेंगे ना तो हम मुझे लगता है टूट ही जाएगा, ठीक है। आप पतले एक हेयर लेके उसमें अगर लगा रहे हैं और एकदम वो लकड़ी हो जाएगा और आप तोड़ना चाहेंगे तो मे बी वो टूट जाए, ठीक है। सो ये था मेरा सजेशन आपके लिए। और मैं इस रेमेडी को कभी दोबारा ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया रेमेडी। दो बार शैम्पू करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, उसके बाद मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया था। अगर आपको कोई अच्छा रेमेडी पता है और आप नेट में कोई देखें आप पे वर्क करता है तो प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिएगा, मैं भी उसको ट्राई करूँगी, आपको रिजल्ट शेयर करूँगी कि मेरे पे कैसा वर्क किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।